दिस इज बुशरा खान वेलकम टू सामा पॉडकास्ट आज पॉलिटिकल, इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी आज मैं एक ऐसे बर्निंग इशू पे बात करूंगी जो कि पूरी दुनिया में कॉमन है और वक्त के साथ साथ कॉमन होता जा रहा है मर्द खातन के दरमियान ये एक इशू बहुत ही ज़्यादा संगीन समझा जाता है और इसकी वजह से मेरे ख्याल से डिप्रेशन और एंगजाइटी का जो रेट है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है एस डेज आर पासिंग बाय इफ वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यस यू हॉर्ड इट राइट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक ऐसा बर्निंग इशू है एक ऐसा संगीन मसला है जिसमें पूरी दुनिया में अगर परसेंटेज निकाली जाए तो सम हाउ फिफ्टी टू सिक्सटी और मे बी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट कपल्स मैरिड कपल्स अफेक्ट होते हैं इसकी क्या वजह है या क्या कोई वजह नहीं है किस तरह से ये आ, ए, ए, कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इस सब के बारे में कि क्या है पूरा जो वेब है पूरा जो जाल है इसके बारे में आज बात करूंगी मैं और मैं अब्दुल सितार साहब हु इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड अवेलेबल टुडे एट माय स्टूडियो उनसे कुछ बात की जाए और कुछ इन्फॉमेशन आप तक भी पहुंचाई जा सके और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रा मैं भी उनसे लूँ और डिस्कस करूँ एक्स्ट्रा मैरिटल married married जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं अगर पाकिस्तानी सोसाइटी को लो और वेस्ट की सोसाइटीज़ को लो तो दोनों सोसाइटीज़ में फ़र्क किस चीज़ का है दोनों सोसाइटीज़ में फ़र्क ये है कि उन सोसाइटीज़ में क्लैरिटी आ चुकी हुई है हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इसमें क्लैरिटी नहीं है इसमें अच्छी खासी कन्फ्यूजन है और हम लोग कन्फ्यूजन को पसंद करते हैं हम क्लैरिटी को नहीं पसंद करते वो माशरे जो एक परवान चढ़ चुके हुए हैं अपनी अपनी शक्लों में वहाँ क्लैरिटी को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग कन्फ्यूजन को प्रेफरेंस देते हैं कन्फ्यूजन को प्रेफरेंस अगर हम देते हैं तो उससे सूरत हाल क्या निकलती है जो टॉपिक आपने लिया है वो वेस्ट में या उन उनों में जो माशरे अपनी समत का तयन कर चुके हुए हैं उनकी डायरेक्शन सेट हो चुकी हुई है ये एक सेटल्ड इशूज़ होते हैं वहाँ पर सेटल्ड इशूज़ हैं हमारे यहाँ ये सेटल्ड इशू नहीं हैं हमारे यहाँ अगर किसी से आप ये बात करें तो पहले आपकी तरफ़ देखेगा बड़े अजंबे की उसमें कि किसकी बात कर रही है क्योंकि खुद उसे नहीं पता कि ये इशू है क्या ये टॉपिक है क्या इसकी डायमेंशनस क्या हैं इसके पहलू कौन से हैं इसकी एक्सपेक्ट्स कौन से हैं इसकी एंगल्स कौन से हैं वो कन्फ्यूज़ होके क्योंकि वी आर रेनिंग सुप्रीम कन्फ्यूजन इज़ रेनिंग सुप्रीम ओवर दोसाइटी जहाँ पर कन्फ्यूजन रेनिंग सुप्रीम होती है वहाँ क्लैरिटी नहीं आती और इस तरह के अफेयर्स के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं बनती अब ये एक राइजुल वक्त एक लफ्ज़ चलता है राइजुल वक्त। वेस्ट की तरफ देखें बाहर की तरफ देखें तो राइजुल वक्त एक ऐसी चीज़ है अगर आप वहाँ की गर्लफ्रेंड को लें और पाकिस्तान जैसे माशरे की गर्लफ्रेंड को लें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ गर्ल फ्रेंड को एक रिस्पेक्ट मिलती है गर्लफ्रेंड लाइक अ वाइफ पाकिस्तान में गर्ल फ्रेंड लाइक अ वाइफ ये अब इतना बड़ा फर्क है कि अगर वहां पर कोई लड़का अपने घर वालों से किसी का तारफ कराता है किसी लड़की का ये कह के शी इज माई गर्ल फ्रेंड तो उसके घर वालों की तरफ से उसे रिस्पेक्ट मिलेगी ਇਥੇ ਕਿਰਾਗ ਦਿਹਾਉ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਤਾਏ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਇਜਲ ਵਕਤ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਹਮਾਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ تنزلی کا شکار ہے अगर इस सोशल सेटअप में तंजली ना होती तो हम में भी बहुत सारे मामलों में क्लैरिटी आ जाती जब क्लैरिटी आती है तो फिर आप रवा दवा होते हैं जब आप रवा दवा होते हैं तो फिर आप डिबेट में आ जाते हैं जब आप डिबेट में आते हैं तो उनके बहुत सारे मसाइल और फिर उन मसाइल का हल भी आपको नज़र आना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है एक टोटली totally कन्फ्यूजन जिसकी वजह से ये चीज़ उस जैसे मुआरे में जिसमें क्लैरिटी ना हो उसको ज़्यादा तबाह करती है और वो मुशरा जहाँ क्लैरिटी आ चुकी हो उसको वो तबाह नहीं करती तो फिर आप ये कहना चाह रही हैं कि वेस्ट में तो एक्सपोजर है माहौल है वहाँ के लोगों में एक्सेप्टेंस है वहाँ उनका एक कल्चर है टू हैव अ गर्ल फ्रेंड और टू हैव अ बॉय फ्रेंड लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो यहाँ पे कल्चर नहीं है ओके आई एग्री टू दिस तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी तादाद अच्छा हम डिटर्मन नहीं कर सकते ये हम, no, 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 हम डिटर्मन नहीं कर सकते वजह से नो 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 हम डिटर्मन नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्डेड बात कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में इस तरह की चीजें रिकॉर्डेड नहीं होती बिल्कुल डेटा नहीं होता डॉक्यूमेंट नहीं होता वेस्ट की जो सोसाइटीज होती है उसमें इनका डेटा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब वो देखते हैं ना कि एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है

बाहर की दुनिया में महकमे होते हैं वजारतें होती हैं डिपार्टमेंट होते हैं जो इस पर काम कर रहे होते हैं प्रॉपर सब्जेक्ट्स होते हैं कि हाउ टू डी विध रिलेशनशिप्स हाँ आप, आप कहते हो ना कि पब्लिक हम लोग कहते हैं चीज़ें पब्लिक करना पाकिस्तान में चीज़ें पब्लिक नहीं होती पाकिस्तान में तो वो चीज़ें पब्लिक नहीं होती जिसमें एक रत्ती भर भी शुभा नहीं होता कि डैमेज करेगा पाकिस्तान को पाकिस्तान में तो वो चीज़ें पब्लिक नहीं होती बाहर की दुनिया में चले जाएँ या इंडिया में चले जाएँ ऐसी चीज पब्लिक हो रही होती है जो आप सोच भी नहीं सकते पब्लिक का मतलब ये होता है कि कंसर्न क्वार्टर उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपने अपनी ताकि आप अब पाकिस्तान, जैसा, मैं ये नहीं कि पाकिस्तान है मैं ये कि कहूँगी कि पाकिस्तान की अपनी है एंड आईटे को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए हर कंट्री का अपना एक रूल्सन माइंडसेट है लेकिन डू यू थिंक कि ये जो इतना आ, मैं फिर से वही बात करूंगी कि मैं इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रही हूं कि ये परसेंटेज क्यों आ रही है में ये मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है ना स्ट्रांग फुटिंग नहीं है इस ट्रेंड की मेरी ख्वाहिश जरूर होगी लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को अमली जामा नहीं पहना सकता पाकिस्तान जैसे मोहसिन में अब ये बात को समझने की कोशिश है ख्वाहिश तो बहुत सारों की है हमारा कैमरा मैन आज हो सकता है इसकी भी ख्वाहिश हो हमारे एक और दोस्त हैं घूम फिर रहे हैं स्टूडियो में हो सकता है उनकी भी ख्वाहिश हो मैं जो बैठा हूँ हो सकता है मेरी भी ख्वाहिश हो लेकिन हम उसे अमली जामा नहीं पहना सकते सोसाइटी में होता है बाहर की दुनिया में हो ना तो बाहर की दुनिया में आपको सोचना ही नहीं पड़ता वो चीज़ हो जाती है आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वो चीज़ हो जाती है दोनों अतराफ से दोनों अतराफ से दोनों अतराफ से देखिये मैं आपसे क्या कह रही हूँ हमारे पाकिस्तान में शादीशुदा मर्द खावीन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इट इट इज इज वेरी वेरी रेयर मैं आपसे इत... ये पूछ रही हूं नहीं हैपनिंग तो आप उसका पूछ सकती है ना जिसका I ट्रेंड वो द एग्जैक्ट एंड पर्टिकुलर रीजन देखो जुए पे सट्टेबाजी मैचों पे सट्टेबाजी ये ट्रेंड सेट हुआ हुआ है पाकिस्तान में इसकी हम बात कर सकते हैं कि ये गली कूचों में घुस चुकी है घरों में घुस चुकी है बहुत सारे मेजर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द पीपल आर इंडर्ज नॉट इनवॉल्व आर इंडर्ज उसको हम डिबेट में ला सकते हैं उसका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है उसका भी कोई रिकॉर्ड डाटा और डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि कोई महकमा पाकिस्तान में नहीं है कोई वजारत पाकिस्तान में नहीं है कोई डिपार्टमेंट पाकिस्तान में, में नहीं है जो उस बारे में भी डेटा तैयार करता हो आपने एक रिसर्च की मैंने प्राइवेटली एक रिसर्च की हमारी जो रिसर्च होती है ना वो बड़ा परसेंटेज जो आपकी होगी ना कहती है तीन परसेंट को देखा है तीन परसेंट में ये ट्रेंड आया तो कहेगा पाकिस्तान में परसेंट वेयर इज मेजर चंक मेजर चंक इज नाइनटीन सेवेंटी सेवन परसेंट मेजर चंक इज नॉट थ्री परसेंट वी आर रिलाइंग ऑन थ्री परसेंट बड़ी माइन्यूट होती है इसको किसी दुनिया में अगर किसी भी जगह पे जाके कोई प्लेटफॉर्म इसे एक्सेप्ट नहीं करता वो पहली बात ये कहेगा यार आपने तो तीन परसेंट पे की है वेयर इज द रेस्ट ऑफ द नाइन्टी सेवन परसेंट तो पाकिस्तान जैसे माशरे में हम अपनी जगह पे बैठ के मैं अपने घर में बैठ के एक दो मिसालें मेरे सामने आ जाएंगी मैं बात करूंगा उसके अलावा मैं बात पूरी अथॉरिटी के साथ रिलायबिलिटी के साथ कंफर्मेशन के साथ नहीं कर सकूंगा बाहर का आप कर सकते हैं इंग्लैंड में होता है अमेरिका में होता है जर्मनी में होता है स्वीडन में होता है कि ये जो लड़कियां हैं ये 16 साल की उम्र को पहुंच के 17 साल की उम्र को पहुंच के ये हरकतें क्यों कर रही हैं जो उनको 18 साल की उम्र में पहुंच के करना चाहिए वहाँ रिसर्च भी होती है डिबेट भी होती है सोसाइटी डिस्कस भी कर रही होती है फैमिली लेवल पे भी डिस्कस हो रहा होता है और नेशनल लेवल पे भी डिबेट डिबेट में आ रही होती है फिर इधारे उसमें कि हैं जिसकी वजह से ये हुआ एक मिनट आप हैं कि आपने जो रिसर्च की हुई है मैंने कौन सी रिसर्च की है वो थ्री परसेंट है और वो नहीं मैंने कहा थ्री परसेंट होता है जिसको कहते हैं ना नेगलिजिबल अमाउंट थ्री परसेंट अब थ्री परसेंट को कहा मिलेगा कोई इधारा टू एक्सप्लेन इट राइट में देखो ये ना, बात करी मैं अब, अब ये कैमरे वाला है इसका नाम चीमा है क्या है चट्टा है क्या नाम है इसका अब मुझे नहीं पता कि इसके ख्याल क्या है ये चाहता क्या है बाहर की दुनिया में जो वेस्ट होता है ना हम वेस्ट की मिसाल ले रहे हैं वेस्ट में सारा यूरोप भी आ जाता है अमेरिका भी आ जाता है बरतानिया भी आ जाता है और भी ममालिक आ जाते हैं वेस्ट में बहुत आराम से आप डिटर्मन कर सकते हैं क्योंकि ये खुद रजू करेगा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो गया मैं ये मसले को फेस कर रहा हूँ हमारे यहाँ कितने बंदे हैं जो जाके ये कहेंगे कि जी मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है लेकिन मैं कर नहीं सका कितने बंदे होंगे परसेंटेज में आपसे बात कर रही हूँ मेटल अफेयर पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं

ट्रेंड तो है इसका लेकिन ना आप, आप फिर वही नहीं बताना ये बताना चाह रहे, कैसे, क्या मुझे कि आप कि ब्लू ब्लू क्यों है? है मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या लगता है कि नहीं, हमारे आप पूछ है, ब्लू ब्लू मुस्लिम स्टेट इस ट्रेंड की बात करू मे बर्निंग इशू और इस पर इतनी कोई बात नहीं होती है देखिए एक्स्ट्रा मेटरल अफेयर में ये नहीं कहती कि खाली पाकिस्तान में एसोसिएटेड है तो पाकिस्तान में ना हो बाकी बाकी मुल्कों में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है ऐसा नहीं है बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें भी इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा जाता इट सीम्स टू बी अनरी रिजनेबल अनएथिकल एंड नॉट रियली समथिंग विच इज अप्रीशिएट बाई एनी वन ऑन अर्थ ऑनेस्टली अब इसके रीजनस क्या है इसके रीजन की अगर बात की जाए तो डिपेंड करते हैं कि किस कपल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल के सामने आ रहा है और वो किस सरकमस्टेंसेस में आ रहा है किस कंडीशंस में आ रहा है उस कपल के दरम्यान क्या रिलेशनशिप है क्या कोऑर्डिनेशन है क्या कनेक्शन है उनका रहना सहना उठना बैठना गाना खाना किस सरकमस्टांसिस में हो रहा है क्या वजूहत है उनकी नेचर वो कब से साथ है कब से नहीं साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो लोग सेफ कर रहे हैं या वो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर करें या वो नहीं कर रहे लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रामिटल अफेयर प्रॉब्लम्स और खुशियाँ या प्रॉब्लम्स या मिजरीज या आप कह लें कि पॉजिटिविटी या अच्छी जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो सब साथ आने जाने चीज़ें हैं लेकिन इसका कहीं से भी मुझे नहीं लगता रीज़न बनते हैं एक्स्ट्रामेरिटल अफेयर जो मर्जी वजह हो रेलेटिव है चॉइस रेलेटिव है परेशानियाँ रिलेटिव हैं सबके मसले अपने तरीके के हैं किसी के लिए कुछ पता नहीं कितना बड़ा मसला है, तो किसी के लिए वो मसला बहुत छोटा हो क्योंकि उसके सामने जो मसला वो झेल रहे हैं वो उससे भी बड़ा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रही हैं इनके पीछे कोई ना कोई वजूहत हैं लेकिन फिर भी देर इज़ नो वजूहत देर इज़ नो रीज़न कि इसका ये बहाना बन जाए कि अंडर द प्रिटेक्स ऑफ सर्टन रीज़न यू फॉल इन टू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विच इज़ एक्चुअली एक्चुअली अनएथिकल एंड नॉट अ ग्रेसफुल नॉट अ ग्रेसफुल एलिमेंट to be adopted by one gentleman or one gentle lady. Do you agree to the point? Yes. अब जब हम हाँ पाकिस्तान की बात करते हैं ये तो मैंने आपको वैसे ओवरऑल बताया जनरली कि जनरली तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट uh, जनरली uh, ऐसा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक्स्ट्रामेटल अफेयर्स सम हाँ अगर मैं थोड़ी सी परसेंटेज रिसर्च देखती हूँ तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैटल अफेयर्स क्यों बन रहे हैं आउट ऑफ फ्रस्टेशन डिप्रेशन शादी शुदा होके ऐसा आपको फ़ील हो के आप शादीशुदा नहीं है इग्नोरेंस निगलेक्ट फील करना या आप लोग को आपस में टाइम ना मिले जॉइंट फैमिली वट डू वी कॉल इंटरफेरेंस कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग से चीफ नहीं हो रही या क्रिटिसिज्म चल रहे या कंपेटेबिलिटी का इशू है या कोहरेंस नहीं है माइंड सेट्स नहीं मिल रहे ये पता नहीं और बहुत सी चीज़ें शायद मैंने अभी बोली नहीं है लेकिन स्टिल देर आर माई फिंगर टिप्स ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर ले जाती हैं सीरियसली यू गाइज रियली नीड टू गेट सम लाइफ बैक नथिंग ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड विच इज नॉट पॉसिबल टू बी सॉल्व वी कैन ऑलवेज कम अप टू सम पॉजिटिव रिजोल्यूशन ऑफ एनी थिंग एंड देर इज नो सर्टन रीजन जिसके लिए आप एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में चले जाएँ दिस इज नॉट अ ग्रेसफुल थिंग वॉट डू यू से मैं पहले आपसे गुजारिश ही करता जा रहा हूँ कि हम लोग सारी ज़िंदगी एक ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करते हैं हम लोग कोई रिकॉर्ड मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि तोशा खाना हमारे पाकिस्तान में एक इशू बना रहा अब तोशा खाना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तोशे खाने का जो रिकॉर्ड है इंडिया में वो एनी बॉडी कैन हैव द एक्सेस अगर वो चाहे तो तोशा खाना का रिकॉर्ड उसको उस शक्ल में मिलता है जिस शक्ल में पाकिस्तान में नहीं मिल सकता अभी क्या बात है आप उसे एलेबोरेट बड़े आराम से कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को मिलने वाले तो तहफ़ जो थे उसमें कॉमन क्या चीज़ थी और अनकॉमन क्या चीज़ थी अच्छा जी मनमोहन सिंह को जो तहफ़ मिले और उसके जो डेलीगेशन को तहफ मिले उसमें क्या फ़र्क था तहफ की असेस्ड वैल्यू क्या थी तहायफ की रिटेंशन फ़ीस क्या थी तहायफ को रिटेन किया गया या डिपॉज़िट किया गया या डिस्प्ले करा दिया गया आप बड़े आराम से बड़ा कंफर्टेबली उसे एलेबरेट कर सकते हो पाकिस्तान में तोशा खाना के हवाले से ही रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी बड़ा इशू रहा है हमारे तो आप जब इस तरह का इशू जिसको आप खुद टैबूज भी कह रही हैं तो टैबूज के वो इश्यूज़ होते हैं जो आप मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने कुछ तफसीला कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं होता हम क्या कर रहे होते हैं ऐसे जैसे हमने कुछ सुना है या बहुत कुछ कम देखा है वो बहुत कुछ कम देखे को आके हम एलेबोरेट करना शुरू कर सकते हैं कर देते हैं वो उसे एलेबोरेट करना जो है उसकी सनत जो होती है सर्टिफाइड वो उसको नहीं माना जाता कि ये अधूरी है ना मुकम्मल है इनकम्प्लीट है आपको इस काम के लिए वही करना पड़ेगा जहाँ जैसा वेस्ट में होता है कि वेस्ट में मैंने पहले बताया कि ये ट्रेंड देखा जाता है कि जब लड़की अठारह साल की हो तो उसे वो काम करने चाहिए जो सोलह सत्रह साल की उम्र में उसने करने शुरू कर दिए। अब वो आपके पास बड़े आराम से बहुत आराम से रिकॉर्ड डाटा डॉक्यूमेंट आ जाएंगे ट्रेंड क्या चल रहा है और जैसे पूरा एक मुल्क है उस मुल्क के रीजन्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि फलाने रीजन में ये ट्रेंड इस तरह से है फलाने रीजन में इस तरह से है फलाने रीजन में इस तरह से है फलाने स्टेट 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 में इस तरह से फलाने शहर में इस तरह से है फलाने शहर में इस तरह से है फलाने शहर में इस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि

हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से कोई 500 सौ से ज्यादा दरख्वास्तें दर्ज हुई थी डाइवोर्स की एक दिन में एंड कंसिडर्ड एज ऑफ द मोस्ट हाईस्टर में कितने हैं। मैंने हाई कोर्ट की तो बात नहीं की ना मैं तो आपसे पूछू कि डिवोर्स रेट्स हाई हैं मैं परसेंटेज तो नहीं पढ़कर तो पूछना चाहती हूँ उन्होंने एक दिन में पाँच सौ हुए थे आपने कहा ना बिल्कुल तो मुझे बताया हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने किसी पूछ तो तो के बता सकती हूँ आपसे ऐसे हमने अगर परसेंटेज निकालनी है कि जी वो पचास हजार में पांच सौ की क्या अगर सब कुछ मैंने पूछा था आप आप तो इतने जीनियस जीनियस हैं आप नहीं बता रहे आपको पता हूं से हूं, से आपको पता पता है है मैं जानती से गेज किया जीनियस का सा दिस इज़ अ नेवर एंडिंग डिस्कशन एंड आई रियली जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू गेट अवेयर ऑफ इट कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है ऑब्वियसली इनकी भी है लेकिन आई डोंट नो कि अभी फ़िलहाल इतना खुल के मुझसे क्यों नहीं बात करे इस टॉपिक पे पता नहीं है किसी ने रोक दी है खैर दिस इज़ नॉट अ ग्रेसफुल वो शो चलेगा सारी दुनिया देख रही होगी सबको पता होगा कि कौन किस तरह बोल रहा था किस तरह बोल रहे थे दिस इज नॉट अ ग्रेसफुल इट इज योर नॉट योर डिसीजन इट इज अ डिसीजन हु इज वॉचिंग It's वो not उनका about है. It's about हमारा, this is not a हमारा नहीं action. है हम डिसीजन नहीं दे सकते ना तुम दे सकते हो ना मैं देख रहे हैं इस वक्त दिखाने वाला नहीं देता हो रही है दिखाने वाला नहीं देता देता नहीं डिसीजन हम भी नहीं कर सकते ना देखने वाला कर सकते हैं हम सिर्फ दे रहे हैं इस वक्त जो uh, की जो परसेंटेज हाई हो रही है वो मेरे ख्याल से मोर देन दूजल परसेंटेज है और डाइवर्स रेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मेरे ख्याल से अवेयरनेस इस बात की जा रही है कि दिस इज नॉट अ ग्रेसफुल एक्शन इफ़ यू आर पाकिस्तानी स्टेट इफ़ यू आर पाकिस्तानी सिटीजन इफ़ यू आर लिविंग अंडर मुस्लिम और इस्लामिक फ्लैग मेरे ख्याल से दिस इज तो अरे तो ग्रेसफुल एक्शन इस चीज़ को अवॉइड किया जाए हमारी उम्मीद ही है कि ये आइंदा आने वाले वक्तों में रेट कम हो ज़्यादा ना हो ये अफेयर्स क्यों हो रहे हैं ये एक्स्ट्रामेंटल अफेयर्स शादी शुदा होके भी आपको ऐसा लगे कि आप शादी शुदा नहीं है जॉइंट फैमिली इशूज़ हैं या क्या प्रॉब्लम क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारा कल्चर ही ऐसा ना कि जब यू गेट मैरिड Uh, you are either uh, actually married to the rest of the family, and then you have to live. So there are so many other issues. There there's so much to talk about. we can, we can actually. Um, get to uh, another episode which could be the part 2 of it and i'm sure there will be a lot more to discuss in the next episode till then stay tuned because we have not come to any conclusion till to date but yes maybe in the next episode we are surely bringing up something which is more convenient to talk and discuss about stay tuned bhuvan khan's leaving now bye bye